नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बात की है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 50 मिनट उनकी बात हुई है, जबकि राष्ट्रपति जेलेंस्की से उनकी 35 मिनट तक बात हुई है। उन्होंने सबसे ज्यादा जोर इस बात पे दिया कि वार जोन से भारतीयों को सुरक्षित निकाला जाए। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही वार्ता की भी सराहना की और पीएम मोदी ने रूस की तरफ से सीज फायर को ऐलान किए जाने और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाए जाने की भी काफी तारीफ की है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन में पैदा हुई युद्ध की स्थिति पर चर्चा की और अलग अलग इसके आयामों पर उन्होंने विचार किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से लंबी बातचीत की और ये उनकी पहली मुलाकात बात नहीं है, इससे पहले भी बात कर चुके हैं। आज की जो उनकी बात है वो करीब 10:30 बजे शुरू हुई और 35 मिनट तक बात चली। उधर रूस ने 4 इलाकों में सीज फायर करने का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने कीव, सुमी, खारकीव और मारियुपोल में युद्ध विराम करने का ऐलान कर दिया है। जेलेंस्की से बातचीत करने के दौरान उन्होंने यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित रूप से निकालने और यूक्रेनी सरकार की मदद के लिए जेलेंस्की का धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुमी में फंसे हुए भारतीय छात्रों को निकालने की कोशिशों में भी यूक्रेन लगातार उनकी मदद करता रहेगा। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी की रात को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पे बात की थी, आज फिर उन्होंने बात की है। तब रूस ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भारत से समर्थन मांगा था। दोनों नेताओं की दूसरी बार बातचीत 2 मार्च को होती है और इस युद्ध में फंसे भारतीयों की सुरक्षित निकासी पर चर्चा की गई, ये जो उन दोनों नेताओं में बातचीत होती है। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी को युद्ध छिड़ा था। 26 फरवरी को पीएम मोदी ने पहली बार जेलेंस्की से बात की थी और संयुक्त राष्ट्र के रूस के खिलाफ मतदान में भारत ने भाग लेने के बाद जेलेंस्की और मोदी की बातचीत हुई। जेलेंस्की ने इस दौरान भारत के राजनीतिक समर्थन की मांग की थी। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक ट्वीट भी किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई है और यूक्रेन के रूसी आक्रमण को खदेड़ने के बारे में उन्होंने बताया, हमारी जमीन पर 1,00,000 से अधिक आक्रमणकारी हैं, वे प्रेजिडेंशियल बिल्डिंग को आग लगा रहे हैं। भारत से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमें राजनीतिक समर्थन देने का आग्रह किया और एक साथ ताकि हम हमलावर को रोक सकें। 2 मार्च की रात को रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग होती है। प्रस्ताव के पक्ष में 141 जबकि विरोध में 5 वोट पड़े और भारत समेत 35 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। रूस के पक्ष में वोट करने वाले देश रूस, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, इरिट्रिया और सीरिया रहे। गैर हाजिर रहने वाले देशों में भारत, चीन, पाकिस्तान, इराक और ईरान शामिल थे। तो दोस्तों, ये थी 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की आपस में बातचीत। आप मेरे साथ बने रहिए और मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके साथ किसी और खबर के साथ। आज का जो कंटेंट है आपको कैसा लगा, मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।